ओके यहां तक का। जब हम आपसे एक बार कह चुके थे कि इस केस में हमें आपकी जरूरत नहीं है, तो फिर क्या जरूरत थी आपको लफ्जरंदाज करने की? हर वक्त जज्बातों का भी नहीं बजाया जा सकता है, कभी कभी उनके कान में नगाड़े बजाने पड़ते हैं। एक मिनट हमें कहा था ना आपसे करिश्मा सिंह, हमें इस केस में आपकी जरूरत नहीं, फिर क्या जरूरत थी आपको इस केस में दखलंदाजी करने की? ताकि हम आपको ये समझा सके मैडम सर कि हर वक्त जज्बातों का बिन नहीं बजाया जाता है, लोगों के कान में नगाड़े बजाने पड़ते हैं। अगर हम डॉक्टर को नहीं धमकाते तो आपको लगता है वो इतना आसानी से मान जाता ये सब करने के लिए, या इतना आसानी से ये केस सॉल्व हो जाता? और आपको क्या लगता है, बोलिए आपको क्या लगता है, अगर ये डॉक्टर आप हमारी हेल्प नहीं करता तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था इस केस को सॉल्व करने के लिए? डॉक्टर नहीं मानता तो कुछ और करते, कुछ और सोचते, केस तो फिर भी सॉल्व होता ना। डर की उम्र छोटी होती है करिश्मा सिंह, ज्यादा देर टिकता नहीं, जैसे डॉक्टर का नहीं टिका। उसने आप पर फिजिकल वायलेंस का केस नहीं किया, उसके पीछे आपका डर नहीं, हमारी आइडियोलॉजी थी। जिसे डॉक्टर पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं। सोचिए अगर हमसे बात करने से पहले वो डीएसपी सर तक पहुंच जाती बात, तो फिर क्या होता हमारे थाने पर? सोचा है आपने? सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद कीजिए करिश्मा सिंह। थाने के बारे में सोचा कीजिए ना। अरे नहीं सोच सकते तो कम से कम इस थाने के लिए बार बार मुसीबत तो मत खड़ी कीजिए। वो भी नहीं कर सकती तो किसी और थाने में ट्रांसफर ले लीजिए। शॉक और जाइए दूसरे पुलिस स्टेशन में, वहां जाकर के दिखाइए अपना बौकाल, वहां जाकर कीजिए अपनी मनमानी, हमें तो बख्श दीजिए प्लीज। शिट, चार्ज का स्मार्ट पे नहीं, ऐसे तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे यहां से ऐसे, क्योंकि हमें नहीं पता बाकी सबके लिए क्या है, लेकिन हमारे लिए हमारा थाना हमारा घर है, और घर ऐसे चलते फिरते छोड़े नहीं जाते हैं। हो गया वहां पे चल रहा है उनका, फिर से वही बोला बोली चल रही है उनकी वहां पे, फिर गुस्सा यहाँ पे करिश्मा गलती ही जा रही है, कुछ ठीक हो नहीं रहा है। उन्होंने बोला तो ठीक है हम आपके ही हिसाब से चलते हैं, अब हम भी अपना भौकाल छोड़ते हैं और जज्बात से काम करेंगे, जो आप बोलेंगे वही करेंगे। चार्ज अब तो किसी पे भी हाथ तब उठाएंगे जब आप हमें उठाने के लिए कहेंगे। बहुत विश्वास है ना आपको आपके जज्बातों पे, तो हम भी देखते हैं कि आपका ये जज्बात का नाव इस जुर्म के क्रूर समुंदर में कब तक टिकता है। ओके अभी